जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जयनम जयतु शासन। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। दूसरा मतलब ये समझ लीजिए कि असल में तो आपके जो
साथी है, आपको किससे बहुत अच्छी दोस्ती है बाबूजी, ठीक है, और वह जैन धर्म को अनुसरण करता है तो आप उसके साथ साथ आप भी जैन धर्म को अनुसरण करने लग गए। उन जीवों के प्रति अपने को महिमा भी आती है कि देखो वो अन्य मत में थे लेकिन साथ में रहकर जैन में है, अभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पानी छान कर पीते हैं, है ना, उन चीजों से अपन उनकी बात भी करते हैं, जगत में उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन कैटोरबली साहब कह रहे हैं कि संगति से तूने जैन धर्म को पाला है या जैन धर्म का अनुयायी हुआ है, लेकिन असल जैन धर्म क्या है तूने खोज करके उसको स्वीकारा नहीं है तो भी तू मिथ्या दृष्टि है। आई बात है, कारण क्या है कि इसको बाहर का और मित्रता का रुझान है। किसका झुकाव बाबूजी? इसको बाहर का और मित्रता का झुकाव, और जैन दर्शन में असली झुकाव किधर की तरफ का होना चाहिए? वीतरागता प्रकट करने का भाव होना चाहिए, कसाय को मिटाने का भाव होना चाहिए। जिन जीवों ने अपनी परिणति से कसाय मिटाई है उनके प्रति भक्ति बहुमान वो हमारे आदर्श है ना। किस उद्देश्य से आदर्श है बोलो? अनंत भगवान हमारे क्यों आदर्श है? सिद्ध भगवान हमारे क्यों आदर्श है? आचार्य भगवंत हमारे क्यों आदर्श है? क्यों आदर्श है बाबूजी? हाँ, उनने अपनी परिणति में कसाय को मिटाकर वीतरागता प्रकट की है। वह वीतरागता उसका आनंद तो वह स्वयं भोगते हैं, लेकिन मेरी भावना भी अपनी परिणति में वीतरागता प्रकट करने की है, इसीलिए मैं उनके गीत गाता हूँ, मैं उनकी संगति करता हूँ, मैं उनके समीपता करता हूँ। आई बात समझ? क्यों मैं जाता हूँ पंच परमेश्वरी भगवंतों के पास? बोलो क्यों जाता हूँ मैं पंच परमेश्वरी भगवंत? क्या उद्देश्य है बोलो? हमारा मंदिर में आने का, हमारा पंच परमेश्वरी भगवंतों के प्रति गुणानुवादों का क्या उद्देश्य है बोलो? उनके प्रति आपकी महिमा क्यों आपको आती है ये बताओ? बोलो क्यों महिमा आती है? कि उन्होंने घर छोड़ दिया था, उन्होंने पत्नी छोड़ दी थी, उन्होंने राज्य छोड़ दिया था। अरे ये तो सब बाहर की बात है, असल में तो उन्होंने अपनी परिणति में वीतरागता प्रकट की है, धर्म प्रकट की है, और मैं भी अपनी परिणति में धर्म प्रकट करने की भावना रखता हूँ, इसीलिए मेरे को उनके प्रति बहुमान है। आई बात समझ? कितनी बात समझ में आई यार, है ना? देखो तो टोडरबली साहब क्या कह रहे हैं कि किसी संगति के कारण यदि कोई जैन धर्म धारण कर लेता है तो भी बात बनेगी नहीं, भले ही वो असली धर्म में आ गया हो लेकिन वो मूल बात नहीं जानता जैन धर्म की। अब आप देखो बाबूजी, अभी जो दिगंबर संप्रदाय में अभी टोटल अपन विचार करें 90 या 95% तो कुल परंपराओं से दिगंबर है। हमारे पिताजी दिगंबर है तो हम भी दिगंबर है, है ना? हमारे पिताजी इस मंदिर में आते हैं, और 1-2%, 3% ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, वह जीव बाहर से प्रभावित होकर, चाहे संगति से या बड़े लोगों से प्रभावित होकर इस धर्म में आ गए हैं, लेकिन असल जैन धर्म की विशेषता को जानकर कौन इस धर्म में इंटर हुआ है ये बता। मुद्दा ये क्या है? आपको आपको 50 वर्ष में जिनेंद्र भगवान की वीतरागता पसंद आई है क्या? बोलो ईमानदारी से। और आपको वीतरागता प्रकट करने की भावना है क्या? जोर देखना किधर का है? हमारे भगवान है, उनके जन्म में ऐसा हुआ था, उनके राजा थे, उनने इनको छोड़ दिया था, उनने इतने व्रत किए, उनने ये उपवास किए, उन्होंने इतनी तप किया, आपको महिमा किसकी है? बाहर की महिमा है। अंतरंग में वीतरागता की तो आप न तो विचार करते हो, न भावना पाते हो, और नहीं तो आप मूल धर्म से दूर हो जाते। जैन साहब, अपने धर्म में किसी ने राजपाट छोड़कर दीक्षित हुआ है, उन्हीं धर्म को अंगीकार किया, तो आपको यदि राजपाट छोड़ने की महिमा आएगी
तो अन्य संप्रदाय में भी कोई जीव राजपाट छोड़कर यदि उस संप्रदाय में दीक्षित हुआ तो उसकी भी महिमा आ जाएगी आप, क्योंकि आपका केंद्र क्या है, बहिरंग केंद्र है। आपको यदि उपवास की महिमा आएगी बाबूजी, तप की महिमा आएगी, तो अन्य संप्रदाय में जो महीनों तक भोजन नहीं करते हैं उनसे भी आप प्रभावित हो जाओगे, तो फिर आपकी जैन धर्म की असली परीक्षा कहां हुई? बोला, यदि दान की आपको आएगी कि देखो इन्होंने मंदिर बना दिया, इन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो अन्य संप्रदाय में जो दान देगा आपको लगेगा उसकी महिमा आ जाएगी। दान तो सब संप्रदाय में देते ही है ना लोग, है बात। कई बार कहते भी है संप्रदाय वालों के बना दिया मंदिर, उन्होंने बना दिया उनकी प्रतिष्ठा उनके पैसे का, और विशेष करके आप मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की जब आप बोलिया इसका अखबार में आता है तो आपको आता है कि वो असल दान तो वो देते हैं। अरे भाई वो असली दान नहीं है, असली दान तो जो जीव अपनी परिणति में रत्नत्रय को देता है वो असली दान है। और दूसरा आप पूजा बोलते हो ना मुनि भगवंतों के स्वरूप में, तुम सा दानी जग में क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। आई बात है, आप जैसा कोई दानी है क्या जगत में जिसने जगत को बता दिया कि तू भगवान है, जग की निधिया क्या देती बाबूजी? आप देखो आपको जिन्होंने ये बता दिया कि तू शरीर का कुछ नहीं कर सकता, परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तेरा जो एक समय का विकार है उससे तू भिन्न है, ऐसा तुझको जिसने बता दिया उससे उत्कृष्ट कोई दान नहीं है। भाव जी आई बात सर है, है? लेकिन इसकी तो खबर है ही नहीं जैसा, ये तो सिर्फ पैसे में देख लेता है कि किसने कितना दिया है, अब अंदर के भाव का भी विचार नहीं करता। तो टोटल बजे साहब ने कहा था यहां क्या कह रहे हैं भाई, मूल परीक्षा करो आप। मूल परीक्षा मतलब जैन धर्म वीतरागता के आधार से है, जैन धर्म परिणति में धर्म प्रकट करने से आधार से है, जैन धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चालित्र रूप मोक्ष मार्ग उसके आधार से हमको महिमा आई है और उसको प्रकट करने की भावना है। ऐसा करोड़मल साहब कह के मूल परीक्षा पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं। एक पक्ष तो हो गया संगति के साथ, दूसरा पक्ष है जैसा कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्त गए। अभी क्या होता है, कोई राजा है ठीक है जैन साहब, अब आप उनकी प्रजा में हैं और राजा का बाहर में आपको ऐसा नेचर भी बहुत है, ऐसा लगा कि नहीं बिल्कुल न्यायपूर्वक वो राजा करता है, तब उसने जिन धर्म की दीक्षा ले ली तो आपको बहुत बहुमान आया। क्या बहुमान आया, क्या कि देखो राजा जैसा बड़े पुरुष ने जिन धर्म की दीक्षा ले ली तो अपन को भी जिन धर्म अपनाना चाहिए। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप, किसको देखकर, महान पुरुष को देखकर, है ना। आज मान लो जगत के अंदर अपने मान लो देश का प्रधानमंत्री हो, या अभी पूरे विश्व में जो ऐसा कोई व्यक्ति है ठीक है, वो जिन धर्म की प्रशंसा करके जिन धर्म में आमदाय में आ जाए तो उसके फॉलोअर वो भी क्या करेंगे कि जो बिल्कुल भक्त होगा वो भी जिन धर्म में आ जाएंगे। लेकिन टोटल बजे साहब कह रहे हैं कि तूने वीतरागता देखकर जिन धर्म को स्वीकार नहीं करा, तूने व्यक्ति देखकर जिन धर्म को स्वीकार किया। क्या क्या देखकर, व्यक्ति को देखकर जिन धर्म स्वीकार किया। अपना प्रथमानियों में उदाहरण आता है ना, ऋषभ राजा ऋषभ देव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, है ना, कितने 4000 था। क्या बाबूजी, किसको ऋषभ देव ने किसको देखकर दीक्षा ली और 4000 बाकी शेष राजाओं ने किसको देखकर दीक्षा ली, बोलो बाबू। ऋषभ देव ने किसको देखकर दीक्षा ली है, बोलो, अपनी आत्मा, है ना, जगत की वस्तु व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करके, है ना, उसको देखकर दीक्षा ली और बाकी ने ऋषभ देव को देखे, तो जिन्होंने भी ऋषभ देव को देखकर दीक्षा ली वो सब नकली के नकली रहे। क्या रहे भाव जी, क्या रहे, क्यों नकली रहे,
क्यों क्यों नकली रहे जैसे आप क्या वो तीर्थंकर नहीं थे क्या निसंदेह है। एक मार्ग सम्यकता आएगा आपका, एक प्रभावना सम्यकता आएगा। आप जब उसकी परिभाषा पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या भेद है। मार्ग भी आगे आएंगे तभी अपन पढ़ेंगे मार्ग प्रभावना। तो ऋषभ देव को देखकर दीक्षा ली, लेकिन भाई साहब ऋषभ देव की वितरकता से परिचय नहीं था। वो तो न्यायपूर्व राजा है, आपसे मेरे को बहुत प्रीति है ना। वो लक्ष्मण राम जी के साथ क्यों चले गए थे, कि उनको राम के प्रति बहुत प्रीति था, तो उसको व्यक्ति से प्रीति थी, अपनी आत्मा से प्रीति नहीं थी। आई बात सब किससे बाबू जी, किससे प्रीति थी, व्यक्ति से प्रीति थी। और जब व्यक्ति से प्रीति है और आपने जैन धर्म को अंगीकार किया तो भी मिथ्या दृष्टि हो। इतनी गहरी बात कौन करेगा बाबू जी। है अपन भी जगत में ऐसा होता है जो अन्य मत में है ना, वो जीव जैन मत में आकर बाहर की क्रिया यदि उसको अच्छी लगती है और वो अनुसरण करने लग जाता है ना, तो अपन उसकी महिमा गाते हैं और महिमा अपन गाते भी हैं, प्रभावित भी होते हैं। लेकिन यहाँ विषय चल रहा है मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का। क्या विषय चल रहा है, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का, कि बाहर की क्रिया से प्रभावित होकर, बाहर में किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर वही व्यक्ति जिन धर्मों को स्वीकार करके उसी प्रकार की बाहर में क्रिया का पालन करे तो भी ऐसा वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसे अंतरंग में अपने वीतराग स्वभाव की महिमा नहीं आई है। क्या भाई साहब बात पकड़ना है, महिमा साहब क्या बाबूजी किधर केंद्र बिंदु है टोलोने का, प्रभावित व्यक्ति को देखकर आप उस धर्म में आ गए। देखो कहते कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, देख देख के करते हैं। कोई शुद्ध भी क्रिया कर देता है, कोई अशुद्ध क्रिया भी कर देता है देखा देखी, लेकिन उसको पता नहीं है कि किस उद्देश्य से। जैसे जब आपको देखा पूजा करते हुए भक्ति से, हमने भी आपको देखा देखी वैसे ही धोती दुपट्टा पहन लिया, वैसे अष्टदेव से वही पूजा करने लगे, वही भक्ति। अब आप किससे प्रभावित है वो हमको पता नहीं, हमने तो आपको देखा और उस प्रकार का आचरण करने लग गए, तो क्या धर्मात्मा हो गए। अभी धर्मात्मा हो गए, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। क्या करते हैं बाबूजी, क्या गड़बड़ी है वो। देखो आप सब समझना बहुत मार्मिक बात है, आप सब धर्म की क्रियाओं में और भावना से भी जुड़े हुए हो, लेकिन क्या नहीं जानते हैं? आप पहचान कर, क्या आपने अभी नहीं विचार किया कि मैं शांतिनाथ भगवान के पास क्यों खड़ा हूं, क्यों मैं घंटों पूजा करता हूं, क्यों मैं उनके नाम का जाप देता हूं। बोलो क्यों देते हो आप, क्यों देते हो है? ये हमारे भगवान है, इनका नाम लेने से कसाई की मंदता होगी, पुण्य का बंद हो जाएगा, ये तो संकट मोचन है ना बाबू जी, क्यों देते हैं इनके नाम, बोलो है? इनके पास क्यों आते हो आप, क्यों पूजा करते हो है? बोलो काय के लिए पूजा करते हैं जैसा है? क्या भावना है अपनी, बोलो कजा सर, कि मैं मेरे सट आवश्यक में एक आवश्यक करना है, नहीं तो मेरे को जैन नहीं कहलाऊंगा, जैन कहलाने के लिए पूजा कर रहे हो आप, बोलो जल्दी बोलो है? हाँ अब मेरे को उनके जैसा बनना है। कितने लोगों को ये भावना रहती है बताओ, कोई संख्या गिनकर पूजा करता है बाबू, कोई तिथि देखकर पूजा करता है, कोई देखा देखी पूजा करता है, लेकिन भगवान बनने की भावना के साथ कौन पूजा करता है ये बताओ है? और कोई तो ऐसा भी होता है किसी मंदिर में पैसे रखकर पुजारी रखा है तो वो पूजा करता है क्या बाबू जी,
मंदिर में, बहुत मंदिर में ऐसा होता है कि द्रव्य और धोने वाला और पूजा करने वाला एक व्यक्ति डेपुट कर देते हैं, भाई तेरी 10,000 रुपए सैलरी रहेगी, तेरे को प्रतिदिन एक तो अभिषेक का जल लाना है, द्रव्य को तैयार करना है और पूजा करनी है, तो वो भी पूजा करता है बोलो, और एक आप भी पूजा करते हो, क्या अंतर है दोनों की पूजा में, क्या अंतर है? दादा बोलता तो वो भी है क्या रात दिन का अंदर बोलो, वो भी बोलता है ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, और आप भी बोलते हो ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, पूजा भी वही कर रहे हो और वो भी धूप खेता है, आप भी धूप खेते हो, क्या अंतर है गजास्ता, कोई अंतर है बोलो, क्या अंतर है? हाँ, और आप कहीं के लिए कर रहे हो कि मेरे को भोजन, आप जब रोज नियम ले रखे मेरे को पूजा करके भोजन करना है तो भोजन करने के लिए कर रहा हूँ, या पूजा करके दुकान खोलनी है तो मैं पूजा करके दुकान खोल रहा हूँ, आप है कि मैं अध्यक्ष हूँ मैं पूजा नहीं करूंगा तो फिर क्या मतलब है, तो अध्यक्ष पद के लिए पूजा कहीं के लिए पूजा कर रहे हो ये बताओ ना, बोलो कहीं के लिए पूजा कर रहे हो जा बोलो, है ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनाया, हम पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये प्रतिमा हमने विराजमान करी है तो हम पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलो, है? और आपको पता नहीं है पूजा करने से पुण्य का बल होता है, और पुण्य के बल में अनुकूल सामग्री जब उदय आएगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी, सही है कि नहीं बोलो ये बात, अरे बोलो कहीं के लिए पूजा कर रहे बताओ तो सही है, अभी देखना सब इसमें चले जाएंगे बाबूजी 99% यहाँ वीडियो में नहीं जाएंगे, ईमानदारी से आप बताना कि भगवान की वितरागता से आप प्रभावित हो, वितरागता की भावना भाते हो, उस उद्देश्य से आप भगवान के समीप आए हो, उनकी वितरागता आपको दिखती है बोलो, है सुन के पक्के हो गए, लेकिन अंदर में उतारी के नहीं उतारी वो आप जाना है, जगते हैं सही बात है, हम देखो इस काल में सही बात सुनने की ताकत भी चाहिए, आई बात है, बाकी तो कितने लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते उनसे पूछो, तो सही बात सुनने की ताकत नहीं है, पूरी जगत में चल रहा है, पुण्य पूजा करोगे तो धर्म हो जाएगा, माला गिनोगे तो धर्म हो जाएगा, ये तो आप आचार्य देव क्या कहते हैं समझो तो सही, हाथ नहीं लगावे बाबूजी दिनवाणी को, अपन देते ना भेंट भी करते हैं ना भाई, आप नहीं नहीं साहब कार रखेंगे, अरे तो तेरे घर में सामान रखने की जगह नहीं है, क्या जैसा दिनवाणी कितनी जगह रखेगी, कारण क्या है उस जीव को सुलझना ही नहीं है, एक बहुत सुंदर बात दादा कहते थे कि जिस जीव का अभी संसार बाकी है वो कुछ भी चीज सही नहीं मानेगा, क्या बाबूजी है सही माने होंगे आप, मानेगा कौन सही बात, जिसका अभी अल्प संसार बाकी है वही इस बात को स्वीकार करे, हाँ बस बाकी जिसके तो वो आप भले ही बोलो, अपन हमने कल बात करके आए सहजता 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 की, आप ईमानदारी से देखना जाते ही घर के अंदर, अरे इसने ऐसा कर दिया, ये बच्चे ने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, अब सहजता तो उतर गई इसके 2 मिनट में नीचे मंदिर के या पेड़ पे उतर गई, नहीं उतर गई है, पूरे समय इसके इस ये या तो मैं अच्छा करने वाला और वो खराब करने वाला बोलो, है इस बात की तो आपको मैं साधुवाद देता हूं कि कम से कम 40 मिनट यहां बैठ के तो बोलते हो कि मैं नहीं करता क्या बात, 40 मिनट तो बोलते हो मैं नहीं करता यहां, तो उसके बाद तो फिर 24 घंटे में 40 मिनट की तो है अपनी, है बाबूजी जो चिंतन करेगा और जिसको अपना भव सुधारना है उसके तो आएगी, और जिसको भव बिगाड़ना है वो कसाई माथे चढ़ के बोलेगी, फिर वो उसके अनुसार सोचेगा, वो आप ये समझ लेना वो परिणाम मेरा मेरे को डुबा ले जाएगा,
जहां करता पना चला है आपने, आई बात समझ आई, या आपको ट्रिक बता दी है अपनी मार्कशीट चेक करने में। जीवन बहुत सरल और सहज होना चाहिए क्योंकि वो पात्रता है, बिना सरलता के जैन धर्म प्रविष्ट नहीं हो सकता। आई बात सर, हाँ, कोई मायाचारी के परिणाम से, कोई वक्त परिणाम से मुंह से कुछ बोलो, भाव कुछ रखो, वो कोई ये बाबू पात्रता है क्या है? चित्त बहुत सरल होना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है सदा सुंदर जी ने, क्या बाकी म्यान में सीधी तलवार जावे नहीं, ये उदाहरण याद रखना आप। क्या जैन साहब, परिणाम में भी आड़े टेढ़े हो, परिणाम में मायाचारी हो, तो सीधा जैन धर्म आपके चित्त में प्रविष्ट नहीं करेगा। बहुत सरल परिणाम होना चाहिए, प्रत्येक जीव की कल्याण की भावना होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, और जो भी उद्बोधन हो वो वात्सल्य पूर्वक होना चाहिए, है ना, ताकि जीव आप इस मार्ग में लगे। ये पहचान है, एलिमेंट्री पहचान है। देखो क्या कह रहे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार करके, भाई साहब क्या जिम्मेदारी है, आपको विचार करना है, क्या विचार करना है, जिन धर्म का रहस्य विचार करना है। अपने को क्या करना है विचार, कजावा साहब क्या विचार करना है, जिनेंद्र भगवान के धर्म का रहस्य विचार करना है कि यहां धर्म किसको कहा, क्या बाबूजी धर्म किसको कहा आपने यहां पर है? एक तो बाहर से भोजन का छोड़ना उसको भी बहिरंग उपवास कहा है, और एक अंतरंग में क्या है अपने स्वरूप से तृप्त रहना, वो दोनों चीज साथ ही रहस्य समझना है आपको। एक स्वभाव है और एक धर्म है, क्या कह जाते हैं, एक तो स्वभाव है और एक धर्म है ना, तो आपको दोनों बात बराबर पकड़नी है ना। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार करके, जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, क्या अपने को जैनी कहते हैं, अपने को धर्मात्मा कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं रोज माला गिनता हूं, मैं इसलिए अष्टमी चौदस को ये नहीं करता, ये भोजन नहीं करता, मैं ये छोड़ दिया है, और मैं तो असली जैनी हूं। अरे भाई रुक, असली जैन की परिभाषा तो समझ, जैन धर्म का रहस्य तो समझ। इसका मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा छोड़ दो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप रात्रि भोजन करना चालू कर दो, नहीं भैया, जैन धर्म की महिमा आपको मालूम, अब किस कारण जैन धर्म महिमा बनते ये तो पता होना चाहिए ना आपको। बोलो भाई साहब, ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ सब छूटेगा आपको, हाँ अंदर से आपको जैसे जैसे स्वीकृति और स्थिरता बढ़ती जाएगी, बाहर से राग आपका ढीला होता जाएगा। आई बात समझ में, ये ऐसी व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो आप, ठीक है, और बाहर में खींचतान करके आप क्रिया करोगे और अंदर की कोई स्वीकृति नहीं होगी तो ये क्या होगा, अंदर ही अंदर उसके रुदन होंगे। देखो जैन साहब, आपने मान लो कुछ चीज छोड़ दी, त्याग कर दिया, ठीक है, अब आपको स्वीकृति तो सही है नहीं अंदर में, आपने बाहर की क्रिया को, और कदाचित कभी ऐसा प्रसंग बना कि आपके नियम का ध्यान नहीं रहा घर में परिवार में और आपकी उस व्यवस्था नहीं बढ़ती, तो आपको क्षमता रहेगी कि उग्रता आएगी, है नाला कितने बरस हो गए इनको ऐसा, अरे भैया तो तेरे को 40 बरस हो गए छोड़े हुए, एक दिन यदि तेरे अनुकूलता की सामग्री नहीं मिली तो तेरे को शांति नहीं है, तो तूने क्या समझा धर्म, क्या भोजन छोड़ने का नाम धर्म है, हा? किसका नाम धर्म है, भाई किसका नाम धर्म है, हा? हा? असल चीज ठीक है, उदिया जी ने वस्तु शांति रहे, सहजता रहे, भाई अपना परिणाम यदि बिगड़ता है तो वो परिणाम किसके लिए दुख का कारण है, भाजी किसके लिए दुख का कारण है, स्वयं के लिए दुख का कारण है, और कर्म बंद किसका होगा, स्वयं के होगा, और बाहर में फिर प्रतिकूलता किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, स्वयं को, होश नहीं है इस जीव को। अब इतने
इतनी सब है बाहर में संगति के कारण किसी महान पुरुष को देखकर कोई धर्म को जैन धर्म को अंगीकार भी करता है और बाहर में क्रिया भी पालता है, लेकिन टोडरमली साहब कह रहे हैं वह सब मिथ्या दृष्टि जानना, क्योंकि वो असली जैन धर्म की विशेषता को रहस्य को नहीं जानता। अपन जानते हैं कि नहीं जानते जैन धर्म के रहस्य को वैसा, और कितने स्तर पर अपन ने स्वीकृति बनाई ये बताओ। मुद्दा यह है अपन जैन धर्म के रहस्य को जानते हैं कि नहीं जानते ये बोलो है? और कितने स्तर पर अपनी स्वीकृति बनी है उस रहस्य को, कितना हमने स्वीकार किया है, गले उतारा है बाबू ये बताओ कि एक भाषा में ले लिया है और एक अंदर में उतारा है। दो बातें हैं, एक तो भाषा में ले लेना और एक अंदर में उतारना, दोनों में अंतर है। फल किसको मिलेगा जैन साहब? जो उतारेगा। अब ये मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, इसका भाव आपको पकड़ना है। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। अपन जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचान रहे हैं और जिन धर्म की क्रिया कर रहे हैं तो क्या जानना बाबू जी? अब आगे की ये तीन पंक्तियां और जबरदस्ती लिखी, देखो इतना तो है बाबू जी, इतना तो है। अब देखना है ना, टोडरमल साहब ने तीन भेद करे, कोई जीव इस बात को समझकर जिन धर्म की इन क्रियाएं मंदिर पूजा पाठ प्रभावना जो भले बाहर से देख के कर रहा है और वो छोड़ दे, तो यहाँ पर टोडरमल साहब ने बैलेंस किया है। बैलेंस किया है किस प्रकार से बैलेंस किया है समझो आप, उसको धर्मात्मा नहीं कह रहे। एक बात समझ क्या, एक तीन भाग करें, एक तो धर्मात्मा, एक अन्य पापियों से, और एक बार एक पापी। तीन बातें करी। देखो आप मंदिर में आ रहे हो, पूजा कर रहे हो, है ना, बाहर की चाहे कुल परंपरा से आ रहे हो, चाहे आप देखा देखी आ रहे हो, आपके जीवन में अहिंसक है, बाहर का जीवन आपका अहिंसक है, रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, आप है ना पानी छान के पी रहे हो, अनावश्यक पानी बिना काम से इधर उधर नहीं डोल रहे हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान का रहस्य नहीं जानते हो तो धर्मात्मा तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन क्या है, पाप से बचे क्या करे, धर्मात्मा तो नहीं हो। क्यों धर्मात्मा नहीं हो? हेलो साहब, धर्मात्मा क्यों नहीं हो? कि जिन धर्म के रहस्य को नहीं पहचान, लेकिन पाप से बचे हो जरूर, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मार्ग में अगर आप गहराई से विचार करना तो अधिकतर उपदेश पाप से बचने का है। किससे बचने का उपदेश है क्या होता? पाप से बचने का। अब उस उपदेश के रहस्य को तो आपने नहीं पहचाना कि किस अपेक्षा से और मूल धर्म क्या है, और आप पाप से बचे हो, आपने रात्रि भोजन नहीं किया है, आप मर्यादा का भोजन करते हो, आपने दो जोड़ी वस्त्र रखे हैं, आप प्रतिदिन पूजा करते हो, आपने सामग्री आपने अपनी क्या कर रखी, सीमित कर रखी, पर तो क्या पाप से तो बचे हो? तो टोडरमली साहब ने उस जीव को अन्य पापियों की तुलना में तो ठीक कहा, लेकिन धर्मात्मा नहीं कहा। क्या कहा? धर्मात्मा नहीं है, और परिणति में यदि धर्म प्रकट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ये है बात समझना, आपके पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या, इतना तो है। क्या किसके लिए कह रहे हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानकर जिन धर्म की में प्रवर्तता है उस जीव को कह रहे हैं इतना तो है कि तूने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी है, रात्रि भोजन छोड़ा है,
पानी छान कर पी रहा है, तेने सामग्री अपनी कम रखी है, परिग्रह का परिमाण करा है, मर्यादा का भोजन करता है, अनावश्यक तू इधर उधर विचरण नहीं करता है, रात्रि में अनावश्यक इधर उधर नहीं दौड़ता है, ना जीवों को बचाकर देखकर अत्याचार पूर्वक चलता है, इतना तू करता है, किसको मानकर? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानकर करता है। तो क्या कह रहे हैं, इतना तो है, क्या है कि जिन मन में पाप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कि तूने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी है तो नक्की है कि तूने उनकी आज्ञा मानी है तो तेरे जीवन में बाहर में पाप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और पुण्य के निमित्त भी बहुत है, बाहर में जिनेंद्र भगवान के मार्ग में पुण्य के निमित्त भी बहुत है, ये पूजा करेगा, मंदिर बनाएगा, स्वाध्याय करेगा, जाप देगा, ये सब जो तेरे को कहा है उन्होंने आज्ञा को अनुसरण करेगा, तो क्या है जैसा पुण्य के निमित्त भी बहुत है, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण वहां बने रहते हैं। ठीक है, तू उनकी आज्ञा में रहेगा तो तेरे पास जिनेंद्र भगवान उपलब्ध है, गुरु उपलब्ध है, उनकी वाणी उपलब्ध है, अब तू जिस समय भी गहराई से विचार करेगा तेरे को सच्चा मोक्ष मार्ग पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि तू उनकी आज्ञा में रहता है। इसीलिए जो कुलादि से भी जेनी है वे तो औरों से तो भले ही है, भले ही है मतलब धर्मात्मा ऐसा नहीं कह रहे, पाप से बचा हुआ है और उसके पास बाहर में असली धर्म मोक्ष मार्ग का कारण उपलब्ध है, वो मंदिर आता है तो यहाँ शास्त्र उपलब्ध है, अब जिस समय उसको ऐसा है उसकी योग्यता पकेगी तो यहाँ से असली बात निकाल देगा, और यहाँ मंदिर आता है तो पाप से भी बचा हुआ है, तो उन जीवों से तो बढ़िया ही है, किन जीवों से बाबू जी, औरों से तो भले ही जो पाप में लगे, कितने लोग हैं ऐसे कि यहाँ सामने मंदिर है तो भी नहीं आते, वे हमारे एक मित्र है सेक्टर 5 में, उनकी पत्नी को रोज मंदिर दर्शन कराने के लिए लेके आते थे घर से स्कूटर में बिठा कर, और वो नीचे खड़े रहते थे और उनकी पत्नी दर्शन करने के लिए जाती थी आराम से, वो 20 मिनट 25 मिनट जब भी उनका जो भी पूजा पाठ जो करना हो करके आते, इतनी देर वो नीचे अड़ोस पड़ोस थे। एक दिन मैंने बोला कि भाई साहब आप भी दर्शन कर लिया करो, क्या दिक्कत है भाई, आए हो आप यहाँ पर स्कूटर से ही आए हो, ठीक है, तो बोले हमारे तो मन में ही भगवान है, क्या भगवान की बात है, अब मैं यहाँ वालों को नहीं पहचानता, क्या है अच्छा ऐसे ही था, आप लोग आज के बाद एक बार आप हाजिर उदाहरण आए, तो अब वो बोलते हमारे मन में ही भगवान है, फिर मैंने बोला अरे बोले ये ऊपर दर्शन करने गई ना, अगर दिन भर देखो इसको बहुत आतंकता है, हल्ला करती रहती है और मेरे को कुछ नहीं होता है, तो उसने ज्यादा धर्म सीखा कि मैंने ज्यादा धर्म सीखा, वो यू कारण रहता था मैंने क्या हुआ मेरे, अरे मैंने कहा भाई बाहर की कसाई की तीव्रता मंदता नहीं, कोई और रहस्य भी है, तू एक बार जिनेंद्र भगवान के समीप जा, और अच्छा है कि तेरे जीवन में कसाई की मंदता है तो तू ताकत लगाएगा तो तू धर्म को समझ लेगा, जिनके कसाई की तीव्रता है ना, जिनको मायाचारी है, जिनके तीव्र कसाई और दिन में परिणाम उनके तो बहुत मतलब वो तो क्या धर्म समझेंगे, तेरे तो चित्त की सरलता है, तू कह रहा है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरा तो कुछ भी कहे साथ, तो मैं कहा तू जल्दी से पकड़ लेगा धर्म, लेकिन तू समझ तो सही, लेकिन ठीक है अब देखो उसकी योग्यता पकेगी तो काम होगा, अब क्या इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं टोडरमली साहब, कि वो जो लोग जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, पाप में लगे हुए हैं, उनसे तो जो आज्ञा मानकर जिन धर्म में प्रवर्त रहा है, भले परीक्षा नहीं कर रहा है, धर्मात्मा तो नहीं है लेकिन औरों से तो भला है, कितनी बात समझ में आई है बाबूजी, लेकिन इसमें संतुष्ट होने वाली बात नहीं है अपने को, ये ध्यान रखना, अपने को परीक्षा करनी है और अपनी प्रगति में धर्म प्रकट करना है,
ये टोटल मिले साहब ने बैलेंस किया है, क्यों कि वो इससे तो फिर अब पाप कर रहे हो, अब हमारे धर्म है ही नहीं तो अपन भी पाप में लगे रहे। ना ना ना, तू मंदिर में आ रहा है तो तेरे पास पंच परमेश्वर भगवान है, तेरे सामने मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के सच्चा उद्देश्य है, तेरी कसाई की मंदता है तो तेरे मतलब उस चीज को समझने की अभी वर्तमान में पात्रता भी है, लगी है, इतनी सारी तो तेरी विशेषता है, उनसे तो तू ठीक है। आई बात कितनी बात कहकर ये विषय को यहाँ पर टोटल मंदिर साहब ने किस संबंध में लिखा, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तता है लेकिन परीक्षा नहीं करता उसके पक्ष में बात लिखी है, किसके तुलना की है कि जो नहीं मानता जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा उनसे तो तुम ठीक हो, ऐसा कहते हैं। देखो मैं पढ़ लेता हूँ, आई बात इतना तो है, कितना है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण यहाँ बने रहते हैं, इसीलिए जो कुलादिक से कुल परंपरा से देखा देखी जो भी मतलब जिनेन्द्र भगवान के धर्म के क्रियाओं में प्रवर्तता है या आता है, इसलिए जो कुलादिक से भी जैनी है वे भी औरों से तो भले ही है, ठीक है। अब अपन तीसरा भेद कल उसकी चर्चा करेंगे, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि, कितने हो गए, दो भेद हो गए अपने, नाम याद है पहला भेद क्या था, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि, दूसरा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि, और कल जो तीसरा अपन पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि। साची तो गंगा ये वितराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी, साची तो गंगा ये वितराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित ज्ञानी, साची तो गंगा यह वितराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा ये वितराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक,